क्या कहता है टेबल का गणित। आज का मैच कितना जरूरी है आरसीबी के लिए और आरसीबी को अब क्या क्या करना पड़ेगा। बुरी स्थिति में चल रही है टेबल पर सिर्फ इकलौती आरसीबी, आज जानेंगे पूरा गणित। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1223वां एपिसोड। आज 15 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही 2024 का आईपीएल नीलामी और ट्रेडिंग और रिटेंशन और शेड्यूल और आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है भैया पाकिस्तान से, आईपीएल 2025 के लिए थोड़ा सा टेंशन का सबब पाकिस्तान ने तैयार कर दिया है, क्योंकि हर साल तो भैया पीएसएल हो जाता है फरवरी और मार्च में, लेकिन 2025 में पाकिस्तान सुपर लीग जो होगा वो आईपीएल के साथ अप्रैल और मई में होगा। जी हां दोस्तों, जियो न्यूज पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल का पीएसएल आईपीएल 2025 के साथ कराएगा। रीजन दोस्तों यह है कि फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है 2025 में, मतलब साफ है यहां से कि भैया आईपीएल के साथ साथ पीएसएल चलेगा। अब यार देखो ये पाकिस्तान वाले तो बोल रहे हैं कि आईपीएल के लिए टेंशन है, लेकिन एक चीज मैं आपसे बोल दूं भाई कि ये जो भी होगा ना ये पीएसएल को बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो विदेशी खिलाड़ी है ना, ये जितने आईपीएल में आते हैं ये आईपीएल छोड़कर पीएसएल खेलने वाले हैं नहीं, और अगर ऐसा होता है ये आईपीएल के साथ अपनी लीग कराते हैं तो इनके पास विदेशी खिलाड़ियों किल्लत हो जाएगी। तो इन्होंने फैसला तो ले लिया है, इनके न्यूज चैनल्स बोल भी रहे हैं कि आईपीएल के लिए बड़ी टेंशन की बात है जियो न्यूज वाले, लेकिन मेरे हिसाब से टेंशन इनको खुद को लेना चाहिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ पैरेलल एक लीग चला रहे हैं, कोई नहीं चलाता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो जॉस बटलर के हवाले से रिपोर्ट है। कल हमने देखा जॉस बटलर नहीं खेले मैच में राजस्थान वाले, और 100% वो फिट नहीं थे, तो इनकी फिटनेस को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। दरअसल दोस्तों वो 100% तो फिट थे नहीं, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें इजाजत नहीं दी थी। संजू सैमसन ने बताया कि ही इज नॉट 100%, लेकिन अंदर की बात यह है, पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि वो बैक टू बैक राजस्थान रॉयल्स के हवाले से 4-5 मैचों का हिस्सा थे। आपको बता दूं दोस्तों कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उन्हें राजस्थान रॉयल्स के अगले मैच में खेलने की इजाजत दे सकता। मैंने आपको आईपीएल की शुरुआत से पहले ही कहा था कि इस बार इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बहुत अड़ंगे लगाने वाला है, और रीजन है टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल के तुरंत बाद टी20 वर्ल्ड कप है, और वो अपने किसी भी खिलाड़ी को पूरे के पूरे आईपीएल के 14 मैचेस खेलने नहीं देना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दोस्तों अर्ली तो बुलाया जाएगा, लगभग 15-16 मई के आसपास जॉस बटलर को तो बुला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले भी जितना टूर्नामेंट जॉस बटलर खेलेंगे ना अलग अलग बहाने बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बोलेगा भैया इजाजत नहीं है। और फिर बोल रहा हूं इस बार जितने ये अंग्रेज खिलाड़ी आए हैं ना, ये आए आईपीएल खेलने के लिए, लेकिन इनकी जो इजाजत है वो चलती है लंदन से, वो चलती है इंग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से। कल सीएसके जीत गई, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पुराना रौद्र रूप दिखाया, सभी खुश हुए, और रोहित शर्मा का भी रौद्र रूप देखने को मिला, मतलब एक ही मैच में सब कुछ मिल गया, पंड्या की पिटाई भी मिल गई, तो सब मिल गया भैया जो क्रिकेट फैंस आज के दौर में आज करेंटली चाहते हैं। लेकिन पुजारा को हवाले से दोस्तों एक पोस्ट आया है, चेन्नई सुपर किंग्स में उनकी वापसी होने वाली है। 2021 के आईपीएल में पुजारा सीएसके की टीम का हिस्सा था, उसके बाद वो आईपीएल की किसी टीम में बिके नहीं। रिसेंटली उन्होंने पोस्ट लिखा, ट्विटर पर डाला, उन्होंने लिखा लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन यू गाइस दिस सीजन, और चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने टैग किया। मतलब हो सकता है किसी रोल में किसी कैपेसिटी में चेतेश्वर पुजारा चेन्नई सुपर किंग्स को ज्वाइन करेंगे। अब पुजारा किस कैपेसिटी में ज्वाइन करेंगे ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है वो मैनेजमेंट के किसी रोल में आए, हो सकता है वो किसी खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट के रूप में आए, लेकिन हाँ उनकी एंट्री होने वाली है, बट अभी तक क्लियर नहीं है कि किस तरह से किस कैपेसिटी में उनकी एंट्री होने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के बड़े खास कहे जाते हैं चेतेश्वर पुजारा। जब 2021 के आईपीएल में पुजारा को कोई नहीं खरीद रहा था, तब महेंद्र सिंह धोनी ने 1 करोड़ रुपए देकर पुजारा को सिर्फ टीम में बिठा लिया था, तो काफी यारी है। और पुजारा ने बहुत कुछ दिया है हिंदुस्तान में टेस्ट क्रिकेट को, मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए पुजारा ने छोटे फॉर्मेट का क्रिकेट ही छोड़ दिया। बेशक वो उसके बाद वहां भी बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए, फिर भी टेस्ट के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन भैया धोनी उनसे लगाव रखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब यहां से दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों शिखर धवन के हवाले से निकल कर आ रही है। आरआर और पंजाब वाला जो मैच हुआ उसमें हमें शिखर धवन भी खेलते हुए नजर नहीं आया, और उनके स्थान पर सैम करन कप्तानी करते हुए नजर आए। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि भैया धवन की क्या स्टेटस है, तो धवन का स्टेटस बता दूं, उन्हें पेन है पैर में, हैमस्ट्रिंग में। रिपोर्टेडली दोस्तों ये जो पेन है जिसके चलते वो 7-10 दिन के रेस्ट पे हैं, और आने वाले 7-10 दिन
सेक्शन में हमें शिखर धवन नहीं दिखने वाले हैं। तो ये भी क्लियर हो जाता है ऐसे पंजाब किंग्स की टीम के हवाले से कि आने वाले 7 से 10 दिन में शायद पंजाब की टीम 2 या 3 मैचेस खेलेगी और इन 2 या 3 मैचों में हमें शिखर धवन नहीं दिखेंगे और कप्तान के रूप में सैम करन दिखने वाले हैं। आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से पंजाब की टीम का भविष्य क्या होने वाला है इस साल के IPL में? क्या टॉप 4 में पहुंचेगी या फिर बॉटम 2 या बॉटम 3 में रहेगी? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखना। और ये जितने भी प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं इनको लेकर सबसे पहले जो अपडेट आएगी ना इंजरी की, वो हमारे टेलीग्राम पेज पर आ जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप भी नहीं बने हो अभी तक तो फटाफट बन जाओ, फटाफट लिंक खोलो और टेलीग्राम पर प्यार बरसा दो, फ्री में आपको मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। अब आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि ये जो IPL चल रहा है, इस IPL में खिलाड़ियों का प्रदर्शन निर्भर करेगा उनकी T20 वर्ल्ड कप की पोजीशन स्पॉट पर। अब बैटर्स को लेकर कुछ खबर आ रही है कि 5 बल्लेबाजों का सिलेक्शन कंफर्म कर दिया है BCCI ने। बड़े सोर्सेस BCCI के बता रहे हैं कि विराट कोहली, रियान पराग, संजू सैमसन, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये इस समय ऑरेंज कैप की दौड़ पर, पांचों इंडियन है, कोई विदेशी नहीं, पांचों टॉप पर भाग रहे हैं और इन पांचों का सिलेक्शन BCCI ने कंफर्म कर दिया है। मतलब अभी विकेटकीपर के रूप में संजू सैमसन फर्स्ट प्रायोरिटी बन गए हैं BCCI की। ना ऋषभ पंत है, ना KL राहुल है, ना ध्रुव जुरैल है। तो ध्रुव जुरैल, जिनका नाम क्योंकि प्रदर्शन काफी अच्छा था IPL से पहले लिया जा रहा था, वो हट चुका है। ऋषभ पंत क्योंकि 1-2 मैच चले उसके बाद फिर वो नहीं चले, तो उनका नाम भी पीछे कर दिया गया है। और संजू सैमसन कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका नाम आगे। फिर बोला गया था सिलेक्टर्स के द्वारा कि IPL में आपका प्रदर्शन निर्भर करेगा कि T20 वर्ल्ड कप में आपको जगह मिलेगी या नहीं। और अभी के प्रदर्शन के आधार पर पराग की जगह भी बनती है, संजू सैमसन, विराट रोहित की तो भैया ऑटोमेटिक सिलेक्शन, और शुभमन गिल ऐसे ओपनर जगह बनाते हैं। तो 5 बल्लेबाज सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन जो हैरानी की बात है वो यह है कि ना इसमें ईशान किशन का नाम है अभी, ना इसमें अभी KL राहुल का नाम दिख रहा है, ना अभी इसमें श्रेयस अय्यर का नाम दिख रहा है। तो जो वो पंड्या गुट के खिलाड़ी है अभी उनका नाम नहीं है। और यही बात होती है कि भैया जब आप एक गुट बना लेते हो ना, और फिर क्या है ना, जब वो गुट बनता है ना तो सारे अंडर परफॉर्म करते हैं। तो वही चीज पंड्या गुट के साथ दिख रही है। बाकी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भैया ईशान किशन का भी सिलेक्शन होना चाहिए एज ए विकेट कीपर, वो भी एक ऑप्शन बनेंगे, बैकअप बनेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ईशान किशन की जगह भी बनती है। बाकी अभी ये 5 सेलेक्ट हुए हैं, टोटल भैया 15-17 खिलाड़ियों की टीम सेलेक्ट होगी। तो इन पांचों के लिए लाइक बनता है। और सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन ने इन पांचों का नाम बताया, तो भैया हमारे लिए भी लाइक नहीं किया तो छोटा सा लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर गेंदबाजों के हवाले से निकल कर आ रही है। T20 वर्ल्ड कप में कितने गेंदबाज सेलेक्ट कर रही है भैया BCCI, उसको लेकर भी नाम सामने आ गए हैं। यूजी चहल, बुमराह, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मयंक यादव, इनके नाम पर मोहर लग चुकी है। ये वो 5 खिलाड़ी है, ये वो 5 गेंदबाज है जो 100% जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। हो सकता है इनमें से 1-2 नाम ऊपर नीचे आगे जाकर BCCI करे, क्योंकि गेंदबाजों को लेकर BCCI का क्लियर है कि भैया एंड तक परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि गेंदबाजी में क्या होता है ना कि आप एकदम से एक मैच में 3 विकेट लेते हो और एकदम से आपका नाम ऊपर आ जाता है। जैसे अर्शदीप सिंह ने मैच में 4 विकेट निकाले, एकदम से उनका नाम ऊपर आ गया। तो गेंदबाजों के लिए कंसिस्टेंट प्रदर्शन जरूरी होता है। तो अभी तो भैया बैटर्स का सिलेक्शन तो कंफर्म हुआ है, गेंदबाजी में चहल का सिलेक्शन और बुमराह का सिलेक्शन कंफर्म है। बाकी भैया अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मयंक यादव इस समय दौड़ में सबसे आगे भाग रहे हैं और इन तीनों में से 2 का सिलेक्शन भी 100% कंफर्म है। तो सिलेक्शंस को लेकर T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहली रिपोर्ट हमने उन 10 खिलाड़ियों के हवाले से निकाली। और अब ये जो टीम बन रही है भैया T20 वर्ल्ड कप को लेकर, इसमें बड़े खिलाड़ी आपको मिसिंग दिखेंगे। विराट, पराग, सैमसन, रोहित, गिल, चहल, बुमराह, अर्शदीप, खलील अहमद की वापसी, मयंक यादव, नया चेहरा, ऐसी टीम बनती हुई अभी नजर आ रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की, बड़ी खबर की यहां से बात कर लेते हैं। आज RCB की टीम मैच खेलेगी, लेकिन RCB का गणित कहता क्या है? क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अभी भी पहुंच सकती है प्लेऑफ में? आज के मैच पर क्या क्या निर्भर करेगा, कितने रनों से आज का मैच जीतना पड़ेगा, पूरा गणित समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों रनों का कोई बंधन नहीं है, लेकिन RCB को जीत जरूरी है। RCB के अभी भी 8 मैचेस बचे हुए, RCB को इन 8 में से 7 मैचेस तो जीतना ही जीतना है। अगर यह हैदराबाद के हाथों आज का मैच हार गए तो फिर बचे हुए 7 मैचों में से इन्हें 7 मैचेस जीतना ही जीतना पड़ेगा। ये हार फिर ले ही नहीं सकते, क्योंकि इस समय इनके मात्र 2 अंक है और क्वालिफिकेशन के लिए 10 टीम का टूर्नामेंट है। पिछले साल में हमने देखा था 16 पॉइंट्स की आवश्यकता होती ही होती है। तो सेफली अगर कोई भी टीम को पहुंचना है तो 16 अंकों की मिनिमम बेयर है की जरूरत पड़ेगी। RCB के 2 पॉइंट है, तो RCB को अभी 7 मैचेस जीतना है और आज का मैच इन्हें जीतना ही जीतना है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज अगर ये आज का मैच हार जाएंगे ना तो 1% से भी कम के इनके प्लेऑफ के चांसेस बच जाएंगे। मेरी
पर्सनल राय क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े जादू, एक बहुत बड़े मिरेकल की जरूरत है आरसीबी की टीम को। यहां से आरसीबी को अपने आप को पूरा बदलना पड़ेगा अगर उन्हें यहां से प्लेऑफ में पहुंचना है, अदरवाइज आरसीबी नहीं पहुंच सकती। और फिर एक बार एक ही बात फिर से बोलूंगा कि भैया विराट है जो वन मैन आर्मी बनकर टिके हुए हैं, अदरवाइज पूरी टीम ने हर मैच में चाहे वो बॉलर हो बैटर हो भैया डिसअपॉइंट किया ही किया। पिछले मैच में 200 लगा दिए थे तो गेंदबाज इतने पिट गए इनके गेंदबाज की हार गए। तो विराट एक वन मैन आर्मी है और फिर वही बोलूंगा भैया कि इनको टीम बनानी थी, इनके मैनेजमेंट को टीम बनानी थी। आप विराट के ऊपर सब कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि भैया वो तो चल रहा है और वो तो खूब चल रहा है, वो तो बैंड बजा रहे हैं सामने वाले बॉलर्स की। तो आरसीबी का गणित मैंने आपको बताया, बाकी आज के मैच के बाद और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। अगर ये लोग जीतते हैं आज का मैच तो फिर आरसीबी के पास 3-5% का चांसेस रहेगा एंड तक, लेकिन कंटिन्यूसली फिर जीत भी हासिल करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। कल रोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सेंचुरी लगाई, बेशक बंबई हार गई लेकिन इनकी जो सेंचुरी आई उसने भी रिकॉर्ड बना लिया। स्ट्रेट रिकॉर्ड 4356 दिनों के बाद मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेलते हुए रोहित शर्मा ने शतक लगाया। मतलब साफ है भैया कि ये जो पिछले 3 सालों से रोहित फॉर्म में नहीं दिखे थे इन इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके चलते अंबानियों ने फैसला लिया कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाए, रोहित ने बता दिया कि वो कितने अच्छे फॉर्म में, और ये भी बता दिया कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, और ये भी बता दिया कि आपका पांड्या कितने पानी में। तो साफ है भैया रोहित ने तो प्रूफ कर दिया, पांड्या को प्रूफ करने की जरूरत है क्योंकि कप्तानी तो पांड्या की चल नहीं रही है, खुद भी बहुत पिट रहा है, धोनी ने पीट कर चले गए अच्छा खासा। तो पांड्या को प्रूफ करने की जरूरत है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के जो कप्तान बनकर आए थे वो ऊपर से कूद भांद के जिस तरह से वो आए, क्या वो प्रूफ कर पा रहे हैं, क्योंकि रोहित ने तो अपना शतक लगाकर अपने आप को प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं तो फिर एक ही चीज बोलूंगा, रोहित को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े खिलाड़ी है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, आपको पता होगा बहुत ज्यादा बातें हुई मोबो बैट पर। मोबो बैट पहले इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच थे, उनको वहां से आरसीबी वाले लेकर आए थे और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बता दिया था, बना दिया था आरसीबी की टीम का आईपीएल 2024 के लिए। अब उन्होंने एक बयान दिया, मोबोवेट कह रहे हैं नॉट इजी टू गेट होम एडवांटेज चिन्नास्वामी, चिन्नास्वामी पर इजी नहीं है होम एडवांटेज लेना। तो आप ये खुद ही सोचो भैया, आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ने सब कुछ साफ कर दिया, उन्होंने कह दिया है कि नॉट इजी टू गेट होम एडवांटेज चिन्नास्वामी। मतलब यार चिन्नास्वामी में भी अब आरसीबी खेलेगी ना, तो इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और मैं तो लगातार बोल रहा हूँ इनके जो मैनेजमेंट है ना वही खराब है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं आरसीबी के, आरसीबी के मालिक आरसीबी के मैनेजमेंट ने इनकी ये दिक्कत की है, खिलाड़ियों में दिक्कत नहीं है, मेरी राय तो यही है, आपकी राय क्या कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ऑफिशियली प्लेऑफ में पहुंच गई है। अब ऑफिशियली अनऑफिशियली तो मैं ज्यादा बातें करूंगा नहीं, अभी वो क्वालिफिकेशन का साइन उनके आगे लगा नहीं है, लेकिन 5 मैचेस जीत चुकी है राजस्थान रॉयल्स, 6 मैचों में से 10 पॉइंट इनके ऑलरेडी हो गया, प्लस 0.7 का नेट रन रेट हो गया है। अब अगर आप ऐतिहासिक आंकड़ा इस समय उठाकर देखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल का, तो वो कहता है कि अगर कोई टीम स्टार्टिंग के स्ट्रेट 5 मैचेस अगर 6 में से जीत लेती है और नेट रन रेट पॉजिटिव बना रहे तो उसके प्लेऑफ में जाने के चांसेस 95% हो जाते हैं। मतलब अब तक अगर ऐसा किसी भी टीम के साथ इतिहास में हुआ है तो वो 95% तो प्लेऑफ में गई ही गई है, और 5% भैया बहुत बुरी किस्मत हो तो बाहर हुई है। मतलब यहां से राजस्थान रॉयल्स की राह लगभग 100% तय है प्लेऑफ में जाने की। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।